नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर। और आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। और पिछले वीडियोस में हम लोग ने जो थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ी थी उसके बारे में हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का रिकैप कर लेते हैं ना। आता है ना सीरियल वगैरह पर रिकैप, दिमाग में रहते हैं ना क्या चल रहा है ना। तो हम लोगों ने सीखा था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर निगेटिवली डिपेंड करता है। और एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग लिख सकते थे कि वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहाँ से हम लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, है ना। और हम लोगों ने फोर्स के बारे में भी पढ़ा था, एम ए होता है तो नेगेटिव ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हमको यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स देखने को मिलेगा। और ऐसे जब हम लोग सीखे थे कि ये स्ट्रेट लाइन हार्मोनिक मोशन होता है और इक्विलिब्रियम रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेबल वाला, यही सब रहता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे और आज थोड़ा धमाकेदार सब चीज़ पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कल यहाँ तक पढ़ाया था वेलोसिटी तक, आज हम लोग इसके आगे बात करते हैं ना। वेलोसिटी के ग्राफ देखे थे, इलिप्टिकल ग्राफ आ रहे थे वेलोसिटी और एक्स के बीच का। तो अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर से, क्योंकि हमको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी टी, होता है ना वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। वो चीज़ हम लिख लिया है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। अब इस चीज़ को नीचे और इसको इधर कर सकते हैं, तो डी एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर इंटू ओमेगा डी टी। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, तो इसको हमको दोनों साइड में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जब मान लिया कि जब, है ना, हम लोगों ने देखा था कैसे जब ऐसे हो रहा था, एक कोई मीन पोजीशन था, यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू जीरो आया था, यहाँ वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम जिसकी वैल्यू हम लोगों ने बताया था ओमेगा इंटू ए, यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू जीरो आता था। ये हो गया एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए पोजिशन और एक्स इक्वल टू माइनस में ए पोजिशन, इज दैट ओके। हम ऐसा मानना चाहते हैं, अभी इस कंडीशन में हमने ऐसा मान लिया है कि इस वाले कंडीशन पर जब हम लिमिट पुट करें, जब समय जीरो था तो बॉडी जीरो पर था, जब समय जीरो पर था तो बॉडी जीरो पर था, इज इट ओके। और जब समय टी पर है, यानी कि ओरिजिन पर है, जब समय जीरो था वो बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, हो सकता है कि ओरिजिन से स्टार्ट भी ना हुआ हो, यहीं से स्टार्ट हुआ हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ हो, उसके लिए भी हम लोग आगे जा करके बात करेंगे। अभी मैंने लिया है जब समय जीरो है तो बॉडी मीन पोजिशन पे, हम इसको कहते हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन पोजिशन, है ना। जब समय टी था तो टी टाइम पर ये किसी एक्स डिस्टेंस पर पहुंच चुका है, इज दैट ओके। टी टाइम पर ये एक्स डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पहुंच चुका है, किसी भी पोजीशन पर है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको याद रखना है, वन बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये चीज़ याद रखना चाहिए, ठीक है, तभी ये वाला चीज़ होगा। तो सेम, अरे सेम तो लिखा हुआ है, जैसे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एक्स तक, और यहाँ पर ओमेगा बाहर आ जाए, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा तो ओमेगा टी आ जाएगा। अब अपर लिमिट पुट कर लेंगे एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, है ना। तो जीरो पुट कर लेते हैं, साइन इनवर्स जीरो अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। अब ये इनवर्स का क्या कहानी है, एकदम सिंपल सा समझना है बात, कि सपोज कर लो साइन 30 डिग्रीज दिया रहता है तो मेरे को हाफ पता है, एकदम सिंपल लॉजिक में जाना है, मैथ में, मैथ वाले स्टूडेंट को समझ में आता होगा ये सब चीज़, बायो वालों के लिए बस छोटा सा चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ, कि साइन 30 का वैल्यू अगर हाफ होता है तो किसी ने बोला कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना होगा,
मतलब कि इस बार मेरे को हाफ दिया है, पूछ रहा डिग्री कितना है, मतलब डिग्री नहीं, यहाँ तो ऐसे यूनिट पे काम होगा तो रेडियन में ही हमको बताना है, बट अभी मैं डिग्री में लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूँ 30 डिग्रीज, और इसको मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी कर लूँगा ताकि ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ से हो गया 6, यानी कि पाई बाय 6 रेडियन। अरे बस समझ में, यानी कि अगर इस बार मेरे को डेटा दिया हुआ है तो वो पूछ रहा है कि कितना ये एंगल है, तो सिमिलरली यहाँ पर मेरे को डेटा दिया हुआ है तो एंगल कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो तो जीरो आएगा क्या, जीरो साइन जीरो पर ही तो जीरो आता है, तो दिस गोज जीरो, इसलिए हम इसको वैनिस्ट आउट करते हैं, मतलब उसको हटा रहे थे। यहाँ से आ गया हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी, इधर ओके, तब इनवर्स को हम इधर लेके जाएंगे तो लिखेंगे यहाँ से एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी, एकदम आसान हो गया, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यानी कि एक्स जो है सिनुसॉइडली साइन के फंक्शन के हिसाब से चलेगा, यानी कि एक्स जो है यहाँ पर जो साफ दिख रहा है फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम पर डिपेंडेंट है, कितने सेकेंड पर वो कहाँ होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि साइन के हिसाब से डिपेंड करेगा। अभी मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तभी समझ में आएगा कुछ चीज़ें, और इवन मैं इधर से भी रिवर्स अब पहुँचूंगा ऊपर की तरफ, यानी सीधा यहाँ तक, है ना। तो पहले इसको कॉपी कर लो फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि एक्स का फंक्शन जो आ रहा था वो आ रहा था ए साइन ओमेगा टी, है ना। और ये जो चीज़ है देखो, तो हर चीज़ के बगल में एक चीज़ लिख देना है यहाँ पर, ये एक्स फंक्शन है टाइम का, यानी कि अगर मेरा टाइम के अबाउट कोई रिलेशन पूछ रहा है किसी ने, तो मैं उसको बता सकूँगा मैं ये वाला ही रिलेशन यूज़ करूँगा, इज इट ओके। अगर मेरे को अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स साइन पर डिपेंड करता है, और साइन का ग्राफ तो हमको पता है बचपन से पढ़ते आ रहा है, है ना। ये टाइम और ये हो गया एक्स का ग्राफ, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान समझना है। साइन ग्राफ ऐसे ही होता है, अरे उसमें ये ऐसे चलेगा, ठीक है, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो साइन ग्राफ हो गया ऐसे, ठीक है। तो जब टाइम का वैल्यू जीरो है एट द पॉइंट टाइम इंटरवल इंस्टेंट वेयर टी इक्वल टू जीरो, एट द टाइम इंस्टेंट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। ये देखो ये जीरो करोगे साइन जीरो जीरो आ जाएगा, तो ये एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि टाइम का वैल्यू मैं कोई यहाँ पर से हम लिख सकते हैं पाई बाई टू ओमेगा, यानी कि ये चीज़ मेरा वन आ जाए, ये चीज़ मेरा वन आ जाए, तो हम लिख सकते हैं ना कि ओमेगा टी जो है ये मेरा 90 डिग्री के बराबर होगा, तो टी के जगह पे क्या लिखेंगे पाई बाई टू ओमेगा। नहीं समझ में आया, ये चीज़ हम चाहते हैं कि 90 डिग्री हो जाए, तभी ना ये पूरा का पूरा डेटा मेरा, मतलब ये पूरा वन हो जाएगा, अब वन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे एम आ जाएगा, तो ये चीज़ मेरा 90 डिग्री पूरा चाहिए, तो हम लिख दिए इसको ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई टू, तो टी का वैल्यू कितना हो गया पाई बाय टू ओमेगा। इस समय पे इसका पोजीशन कितना हो गया ए हो गया, आसान हो गया। तो पाई बाई टू ओमेगा टाइम पर ये बॉडी अपने एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा ना, ये ऐसे कुछ हम लोगों ने पढ़ा था अभी, ये हो गया एक्स इक्वल टू जीरो, ये हो गया एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस में ए, इस जगह पे पहुंच जाएगा जब पाई बाई टू ओमेगा टाइम हो जाएगा, है ना। फिर हम बात करते हैं इस जगह पे पाई बाई ओमेगा टाइम पर ये कैसे निकाले, तो हमको ये चीज़ फिर से जीरो चाहिए, तो साइन का 180 डिग्री जो होता है फिर से ये जीरो दे देता है, तो 180 मतलब पाई, तो हम फिर से लिखते हैं ओमेगा टी का वैल्यू पाई, तो टाइम का वैल्यू हो गया पाई बाय सॉरी ओमेगा, इस टाइम पर अगेन जीरो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वाला कहानी हमको फिर से चाहिए माइनस में वन, तो ये जो है 270 डिग्रीज यानी कि 3 पाई बाय 2 टाइम पर अगेन, यानी ओमेगा टू का टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2 टाइम पर, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 3 पाई बाय 2 ओमेगा। तो इस जगह पे 3 पाई बाय 2 ओमेगा टाइम पर ये अगेन मेरे पास माइनस में ए आ जाएगा, फिर ये 2 पाई,
तो पाई बाई 2 ओमेगा टाइम पर अगेन ये जीरो आ जाएगा, यानी कि जीरो टाइम पर यहाँ कब पहुँचेगा, एट यहाँ पर इधर टी इक्वल टू जीरो टाइम का वैल्यू पाई बाई 2 ओमेगा, आसान है, फिर से यहाँ पर टाइम का वैल्यू सॉरी पाई बाय ओमेगा टाइम पर, और ये हो गया टी का वैल्यू 3 पाई बाय 2 ओमेगा टाइम पर, और फिर से ये टी का वैल्यू पाई बाय 2 ओमेगा टाइम पर, यानी कि इन सारे टाइम पर ये फिर से मीन पोजिशन में पहुंच जाएगा, इस टाइम पर ये राइट एक्सट्रीम पर और इस टाइम पर ये लेफ्ट एक्सट्रीमम यानी इधर के सबसे वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा। आसान है, ऐसे तो बहुत इजी चीज़ हम लोगों ने बचपन से कभी पढ़ा ही नहीं था, पूरे अच्छे से कॉपी कर लेना है इसको पहले, फिर समझ लो, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा वीडियो रिवर्स करके इसको फिर समझ लो, ठीक है ना। अब हम एक्स को इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर से तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, साइन का होता है कॉस ओमेगा टी, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी हो गया, अब फिर इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा ओमेगा, है ना, ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया हमारे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ये हो गया वेलोसिटी, है ना, तो वी का वैल्यू, वी का फॉर्मूला जो ये आया, क्या ये वेलोसिटी वो वाला वेलोसिटी के बराबर है क्या, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या था, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, हाँ ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों सेम है, बट ये वेलोसिटी फंक्शन है, हम उस समय बताए थे वेलोसिटी फंक्शन है एक्स का, और ये जो वेलोसिटी है ये फंक्शन है टाइम का, देखो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो गया और ये वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, इस पोजीशन पर कितना वेलोसिटी, इस पोजीशन पर कितना वेलोसिटी, यहां पर है इस टाइम पर, किसी अलग टाइम पर, इस टाइम पर कितना वेलोसिटी, यानी टाइम पर टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है यहां पर, तो वेलोसिटी के यहाँ पर दो फॉर्मूले हो गए, है ना, दिमाग में रखना है इस चीज़ को, ठीक है, तो मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ इन चीज़ों को, किरण दो करने देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, है ना, इसको अब ये जो ग्राफ है वेलोसिटी कॉस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो अगर कॉस पे डिपेंड करता है ना, तो ये कॉस ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, है ना, ऐसे नहीं बनता है कॉस का ग्राफ, ऐसे सही, यहां पर अगर हम बात करते हैं टी इक्वल टू जीरो टाइम पर, टी इक्वल टू जीरो टाइम पर, ठीक है, हमें तो एंगल पता चल गया सारा का सारा, हम लिख सकते हैं पाई बाय टू ओमेगा, और यहां हो जाएगा पाई बाय ओमेगा, यहां हो जाएगा थ्री पाई बाय टू ओमेगा, और यहां हो जाएगा पाई बाय टू ओमेगा टाइम पर, जीरो टाइम पर, जीरो टाइम पर जीरो हो जाएगा तो ये सारा का सारा वन हो जाएगा, वन हो जाएगा ए ओमेगा आ जाएगा, तो ए ओमेगा स्पीड, इस जगह पर माइनस वन हो जाता है ना, ये 180 डिग्री है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में ए ओमेगा, है ना, और इस तरह से करके हमारा वेलोसिटी डिपेंड करता है। ये जो पूरा कहानी है हम लोगों ने पिछले ही क्लास में जब हमने इसको डिराइव किया था तब बताए थे, यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होता है और इसकी वैल्यू ओमेगा ए यानी कि ए ओमेगा होता है, यहाँ वेलोसिटी का वैल्यू जीरो और यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू जीरो, ये कौन सा है मीन पोजीशन है, जब एक्स का वैल्यू जीरो था, देखो तो एक्स का वैल्यू जीरो पर ये अपना ए ओमेगा चल रहा है या फिर माइनस में ए ओमेगा चल रहा है, दोनों तो आया था स्पीड, है ना, जब इधर से आ रहा होगा इधर की तरफ जा रहा होगा तो ओमेगा ए, इधर जा रहा होगा तो माइनस में ओमेगा ए, अरे बस समझ में ना, ये इस तरह से काम कर रहा है। अच्छा ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन जब एक्स का वैल्यू ए है, एक्स का वैल्यू ए कब है, जब पाई बाय टू ओमेगा है, जब पाई बाय टू ओमेगा है, देखो इसकी वेलोसिटी फिर से जीरो हो गई, मतलब ग्राफ ये कौन सा ग्राफ हुआ, वी टी ग्राफ हुआ, है ना, और वो जो ग्राफ था इलिप्टिकल वाला वो था हमारा वी एक्स ग्राफ था, है ना, पिछले वाला कॉपी में, पीछे सब कुछ कॉपी में नोट रहना चाहिए, है ना, तो समझ में आ रहा है ये वी एक्स का ग्राफ था, ये है वी टी का ग्राफ, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है लगा,
ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूले याद रहने चाहिए सिर्फ, ठीक है। और ये सारा डेटा एक बार सुनते जाओ, बहुत मज़ा आएगा। अब देखो ये तो याद रह गया अब धीरे धीरे करके, कि वेलोसिटी यहाँ पर ओमेगा ए होता है यहाँ पर भी का, फिर अभी सवाल जब बनेगा तो समझ में आ जाएगा कि इतना रोना धोना का कोई मतलब है भी नहीं, लेकिन पता रहता है ना, एक बार पढ़ लेते तो समझ में आता है कि क्या हो रहा है देश दुनिया, है ना। चलो ठीक है, कॉपी करो यहाँ तक, फिर हम आगे एक्सेलरेटर पर मूव करते हैं। इस एक्स का फंक्शन क्या था, ए साइन ओमेगा टी, और यहां पर वेलोसिटी का क्या फंक्शन था, यहां पर जो ये वी का फंक्शन था, ये थोड़ा इरेज हो गया, वी का जो फंक्शन था वो था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का फंक्शन था। यहां से अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमको पता है कि वी का वैल्यू दिया हुआ है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो वी का वैल्यू इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो ए ओमेगा कांस्टेंट है, ये पकड़ के बाहर निकाल दी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू, फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ से हो गया माइनस में ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, दैट्स योर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब थोड़ा इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये ए साइन ओमेगा टी यहाँ भी तो दिख रहा है, ए साइन ओमेगा टी, तो हम इसके जगह पे एक्स लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया। देखो ये किसका फंक्शन हो गया, एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। और यहाँ से मगर ए साइन ओमेगा टी को हटा देंगे तो यहाँ से जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये सारा चीज एक्स। ओह माय गॉड, यही तो पढ़ाए थे, फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, क्लियर है। ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है और ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और कमाल का बात है ये भी साइनसॉइडल फंक्शन है, यानी कि साइन पर ही साइन फंक्शन है, लेकिन थोड़ा वेट 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 वेट, साइन है नेगेटिव है, फिर से देखो यहाँ पर किसका आ रहा है वैल्यू, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, इसका जस्ट उल्टा है, नेगेटिव मतलब ये ग्राफ फ्लिप हो जाएगा, ये वाला इधर, है ना। तो चलो हम इसका ग्राफ बना, तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे चलेगा, देखो फ्लिप हो गया ना ऐसे, समय तो पता ही है खराब चल रहा है, तुम लोग बहुत अच्छा चल रहा है ना, समय खराब नहीं चलता, समय बहुत अच्छा चलता है हर किसी का। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन आप लोगों से ढंग से बात करूं, ठीक है। ये ही है टाइम, है ना। तो ये जो पूरा कहानी हो गया, जब समय का वैल्यू जीरो था तो उस टाइम पर फिर से देखो तो एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो है ना, बट जब समय पाई बाय टू ओमेगा है तो समय एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ पर ए ओमेगा का स्क्वायर निगेटिव में आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर देख लो, है ना, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, और उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस में। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी राइट एक्सट्रीमम पर होगा उस टाइम पर उसके पास नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर ए होगा, यानी कि अगर ये बॉडी यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये मीन पोजिशन है, यहाँ पहुँचेगा तो उसमें एक्सेलरेशन, ये बॉडी जा रहा था इधर राइट में, एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, और जब वो लेफ्ट में होगा तब इधर की तरफ होगा। यही तो बोल रहे थे, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन लग रहा है ताकि वो मीन पोजिशन पर आ जाए, नहीं लगेगा तो ऐसा जम होगा ही नहीं। अरे बस यही चीज तो है पूरा का पूरा कहानी, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन आ गए, सारे के सारे फॉर्मूले, कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही है, तो हमारे पास कितने सारे फॉर्मूले हो गए, कितने हो गए, कॉपी करो देखते हैं। सीट बेल्ट बांध करके रखना भाई सब कुछ। आज का थोड़ा टॉपिक ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, थोड़ा कॉपी कलम को एकदम पैसेज फुल्ली लिख लो, ठीक है, ताकि किसी को बताते इतना लिखें, है ना, याद रहेगा सारा चीज़, इवन याद हो ही रहा होगा हल्का फुल्का, एक्स का वैल्यू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, वी इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, सॉरी कॉस, आप ही को याद नहीं है सर, हमको क्या याद रहेगा, ए ओमेगा स्क्वायर
साइन ओमेगा टी और यहाँ पर माइनस आ जाता था। ये तीन चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम सीखने वाले कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है इसी SHM में। SHM में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर x का वैल्यू a है और x का वैल्यू माइनस में a है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको पता है u का वैल्यू क्या होता है, माइनस में इंटीग्रल ऑफ dW नहीं पता, वर्क बराबर होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी पढ़े ना तो ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स। और हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था एम ए, और एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हैं, ये वाला नहीं लिखेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यानी पढ़े थे एक्सेलरेशन का वैल्यू इंटू डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस था इसलिए यहाँ पर लिख दिया प्लस, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर, तो बाहर आ गया, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो एक्स का स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया यू का वैल्यू खत्म। अब तो क्या बचा है, यू बराबर हो गया हाफ ऑफ एम ओमेगा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ये किसका फंक्शन हुआ, देखो एक हर चीज़ जो निकल रहा है यहाँ पर दो दो चीज़ निकल रहे हैं, फंक्शन एक्स का है। अभी हम एक्स के जगह पर ये चीज़ पुट कर सकते हैं तो टाइम का फंक्शन मिल जाएगा। तो u बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t का फंक्शन, है ना। और ये जो u है ये फंक्शन हो गया टाइम का, कोई दिक्कत है। यानी हर एक चीज के दो दो डेटा आ रहे हैं, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा एनालाइज करो कि कहां पर क्या क्या आ रहा है ना। थोड़ा मैं जब तक इंक फिल कर लेता हूं, अगर एक्स का वैल्यू मैं जीरो पुट कर दूं, है ना, अब थोड़ा ध्यान देखना है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो टाइम पर यू का वैल्यू क्या होगा, यहां पर यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा, कमाल हो गया। x इक्वल टू ए पोजिशन पर क्या होगा, x इक्वल टू ए यहाँ पर a पुट कर देंगे तो u का वैल्यू क्या, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। u का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आप जब पोजिशन पे बात किए थे, एट t इक्वल टू जीरो टाइम पर, अब इसमें पुट करेंगे t इक्वल टू जीरो टाइम पर u का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, तो u का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और एट t इक्वल टू ये एक्सट्रीमम पर कब होगा, जब वो पाई बाई टू ओमेगा पर होगा, है ना, ये नहीं पढ़े थे, पाई बाई टू ओमेगा पर हो जाएगा, तो एक्सट्रीम कंडीशन पर होगा, है ना। तो एक्सट्रीम कंडीशन पर क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा कहानी, ये चीज़, ये इंटायर चीज़ वन, है ना, ये वाला पूरा साइन 90 का वैल्यू वन, ये हो गया, अरे बाप अरे बाप, ओमेगा इंटू पाई बाई टू ओमेगा, है ना। तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, पाई बाय टू आ गया, साइन 90 का वैल्यू वन, है ना, ये पूरा का पूरा टर्म आ गया वन। और ये चीज़ आ गया हमारे पास हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यू का वैल्यू हो गया हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या ये इस जगह पे ही हर बार आएगा क्या, नहीं, ये तो पाई बाय टू ओमेगा वाले टर्म पे आया, क्या पाई बाय ओमेगा वाले पर भी आएगा, है ना, हर वो एंगल पर आएगा जब जब कि ये वैल्यू हमारा वन हो सकता है। वन कब कब हो जाएगा, पाई बाय टू पर होगा, है ना, पाई बाय टू ओमेगा पर, फिर थ्री पाई बाय टू ओमेगा पर होगा वन, है ना। तो इन सारे डेटा पर जाकर के जब जब टाइम का वैल्यू, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, यही लिख देता हूँ, पाई बाय थ्री पाई बाय टू ओमेगा पर, फिर फाइव पाई बाय टू ओमेगा पर, ऐसे सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय ओमेगा पर जाकर के हमको, पाई बाय टू ओमेगा पर जाकर के हमको पोटेंशियल एनर्जी इतना मिलेगा। माइनस में ए पर भी मिलेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर माइनस में ए पुट कर देंगे तो भी स्क्वायर का वैल्यू उतना ही आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हर समय रहेगा हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पे अगर माइनस, यानी ये हो गया राइट एक्सट्रीमम, ये हो गया लेफ्ट एक्सट्रीमम, राइट एक्सट्रीमम लेफ्ट एक्सट्रीमम फिर राइट एक्सट्रीमम, अगला सेवन पाई बाय टू ओमेगा राइट लेफ्ट एक्सट्रीमम, है ना, पाई बाय टू ओमेगा, इन सारे ही जगह पर पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू इतना होगा।
आसान हो गया। तो चलो इसको कॉपी कर लो, फिर आगे इन चीज़ों को देखते। इधर वाला कॉपी मत कर लेना, डॉट उट ये सब मैं कर लेना कॉपी, इसको कॉपी कर जल्दी से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, क्या बात करेंगे पढ़ना से अभी ये कर लेते हैं, बाद में क्या करेंगे। इसका ग्राफ खींच रहे हैं यू और एक्स के बीच का, यू और एक्स के बीच का। देखो एक्स का स्क्वायर का फंक्शन है तो ऐसे चलेगा क्या, है ना। और जब एक्स का वैल्यू ए हो जाएगा उस टाइम पर यू का वैल्यू कितना होगा, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हो गया यू का ग्राफ, जब एक्स का वैल्यू जीरो तो जीरो, और एक्स का वैल्यू माइनस में ए होगा तब भी यही होगा। तो ये तो हम लिख रहे थे प्लस में ए और माइनस में ए पर यही चीज़ आ जाएगा। आ रही बात समझ में, बहुत आसान है। अभी अगर अब हम इसी का पहले कॉपी कर लो फिर साइन वाला ग्राफ बनाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा u का वैल्यू होता है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये ना था। इसका ग्राफ कैसे आएगा, क्या ये साइन का फंक्शन है? नहीं, ये साइन के स्क्वायर का फंक्शन है। साइन का फंक्शन तो एकदम आसान था, ऐसा ग्राफ खींच देते हैं। लेकिन साइन का स्क्वायर कैसा होगा, यानी निगेटिव वैल्यूज नहीं होंगे क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन का, और ये भी मेरा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो मैं साइन का स्क्वायर ग्राफ खींच रहा हूँ ऐसे, ये जो है ऐसे, ठीक है। निगेटिव वाला स्क्वायर हो गया ना, हर बार ऐसे चलेगा। ये हो गया वाई और एक्स के बीच का जो ग्राफ होगा, वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ हो गया। सिमिलरली कॉस का ग्राफ अगर हम खींचेंगे कॉस वाले का स्क्वायर का, तो कॉस कैसे चलता है ना, नीचे जाएगा नहीं, नीचे वाला सब फ्लिप होकर के ऊपर। वाई और एक्स के बीच का ग्राफ हो गया वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ हो जाएगा, है ना। तो समझ आ रही बात, तो चलो ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग खींचेंगे, साइन स्क्वायर का ग्राफ खींच रहे हैं। तो ये रहा साइन स्क्वायर का ग्राफ ऐसे, ठीक है। और जब समय वही पाई बाय टू ओमेगा हो जाएगा तो यहाँ पर एनर्जी हो जाएगा हाफ ऑफ ये वन, हाफ ऑफ एम ओमेगा का स्क्वायर ये स्क्वायर, फिर पाई बाय ओमेगा पर जीरो, और पाई बाय थ्री पाई बाय टू ओमेगा पर फिर से। एकदम ग्राफ देखो, याद कर लो, और घर पे एक दो बार लिख लोगे तो समझ, इवन लॉट्स ऑफ क्वेश्चन बनाने के बाद ये सारी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाती है, बहुत आसान है, ठीक है। और यही तो है। चलो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, सॉरी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, है ना था। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एम, एक और फॉर्मूला था वी का वैल्यू, दोनों यूज़ कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, फिर इसको भी यूज़ कर लेंगे अगले स्टेप में। तो वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स योर वी, क्लियर है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। देख लो ये फंक्शन है किसका, दिख रहा है ना क्या फंक्शन है, ओमेगा फंक्शन हो गया किसका, आवाज नहीं आ रहा है, एक्स का। काइनेटिक एनर्जी फंक्शन होगा, अगर यहीं पर ये वाला पुट कर लेंगे, हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हो गया हमारे पास टाइम का फंक्शन, यानी कि अगर टाइम पर बात करेंगे तो इसका, और पोजीशन पर बात करेंगे तो इसका। चलो देखते हैं, इसके भी कुछ अच्छे अच्छे ग्राफ आने चाहिए, ठीक है। इस वाले को हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से। इस वाले का के का वैल्यू माइनस में एक्स का स्क्वायर की तरह बिहेव कर रही है, तो माइनस में एक्स का स्क्वायर ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी एट एक्स का वैल्यू जीरो पर, एक्स का वैल्यू जीरो पर क्या हो जाएगा, देखो तो जीरो हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और जब ए हो जाएगा इंटायरली जीरो, कोई दिक्कत है, और माइनस में ए पर भी, क्योंकि माइनस में का स्क्वायर तो ए हो जाएगा, ए में से ए खत्म हो गया, एनी स्टार्ट सब खत्म। ये किसका था, के का और एक्स के बीच का ग्राफ था, के और एक्स के बीच का, ये था यू और टी के बीच का ग्राफ था। अगर हम इसी में के और ओमेगा के बीच का ग्राफ खींचें, सॉरी टाइम के बीच का ग्राफ खींचें, तो हमको अभी तो समझ में आ गया होगा कौन सा ग्राफ है, ठीक है, ऐसे ही चलेगा है ना। तो फिर से वो देखो, टाइम का वैल्यू जब जीरो हो रहा है, हाफ ऑफ एम ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर जीरो आ रही बात समझ में, सारे डेटा तो पता ही है, वो पाई बाय टू ओमेगा हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाय ओमेगा, और यहाँ पर थ्री पाई बाय टू ओमेगा टाइम पर, इतने सारे टाइम पर ये सारी चीज़ें हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। हमें पता चल गया काइनेटिक एनर्जी, हमें पता चल गया पोटेंशियल एनर्जी, क्या हम इस सिस्टम का टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हैं, हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगा। चलो यहाँ तक कॉपी कर लो पहले, ठीक है, मैं इधर से अरेंज कर रहा हूँ। अब हम लिखते हैं यहां पर टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर है ना था एक्स का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितना आया था, हाफ ऑफ एम ओमेगा का स्क्वायर है ना ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, ये तो आया था। ये वाला हिस्सा ये वाले से कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तो किसी का ही फंक्शन नहीं, ना तो टाइम का फंक्शन है, ना ही पोजीशन का फंक्शन है, तो क्या ये कांस्टेंट है क्या, और होना भी चाहिए था, क्योंकि टोटल जितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी वहां पर यह कंजर्व्ड रहेगा, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। आसान है, कंजर्व रहेगा। चलो ठीक है, यहां तक कॉपी करो, और अभी ग्राफ बनाते हैं इस चीज का, क्या हो रहा है यहां पर। परेशान नहीं हो जाना बस, खाली कोई ये था भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी था ना, ऐसे ही ग्राफ था हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ था कुछ ये ए था ना यहीं पर, ये यहाँ पर ए था, यहाँ पर माइनस में ए था, ये जीरो था है ना, और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कैसा आया था, वो था कुछ ऐसा है ना। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, यहाँ ये वाला पॉइंट कितना था, हाफ ऑफ एम ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी कितना आया, ये यही रह गया थ्रू आउट द रीजन, ये यही रह गया, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा ना घटा, टोटल एनर्जी ऑलवेज हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये जो हो गया ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाला हो गया काइनेटिक एनर्जी, और ये जो है टोटल एनर्जी। अब अगर हमको पूछेगा, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऐसा होता है ना, और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ सिमिलरली, अगर हम इसी में ड्रॉ कर सकते हैं, या नहीं बगल में कर लेते हैं, इस वाले का ऐसे होता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ में, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ में,
हमको इसका एवरेज वैल्यू जानना है। अब एवरेज एक छोटा सा चीज़ याद रखो, किसी भी चीज़ का बोला है ना, बोला कि कोई चीज़ का एवरेज निकालो, एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू ऑफ हमें भी पोटेंशियल एनर्जी का ही लिख रहा है, तो एकदम याद रखना है इस चीज़ का यू एवरेज का फॉर्मूला, किसी भी चीज़ का एवरेज का फॉर्मूला हर समय। अभी से ये स्टार्ट हो गया एवरेज निकालना, ठीक है, तो अभी से जब स्टार्ट हो चुका है तभी हमें ये फॉर्मूला लिखने का तरीका याद रहना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ यू डी टी बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी, ठीक है, और जीरो से लेकर के टोटल टाइम पीरियड टी तक में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है, ये होता है हमारा एवरेज का फॉर्मूला। अगर के एवरेज बोलता तो के डी टी बाई बोलता करेंट एवरेज, आई डी टी बाई इंटीग्रल डी टी, है ना, आसान हो गया। गधा एवरेज, घर एवरेज, मतलब जो भी ऐसे ही सब बस यहाँ बदल जाएगा, ये फॉर्मेट याद रखना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यू एवरेज अभी यहाँ से क्या आएगा, वन बाई डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, है ना, और ये टी कैपिटल टी नहीं लिखना है, स्मॉल टी लिखना है यहाँ पर। अभी हम पूरे टाइम पीरियड में बात करेंगे, टाइम पीरियड समझ आ रहा है ना, एक टाइम पीरियड फिर दूसरा टाइम पीरियड, यही हो गया हमारा यहाँ से, है ना, ये हो गया एक टाइम पीरियड, ये हो गया टू टी टाइम पीरियड, मतलब जो चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है एक ही चीज़ होने में कितना समय लगा, ये टाइम पीरियड टी हो गया। तो यू एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ यू हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, इसका जीरो से लेकर के टी टाइम पीरियड तक सॉल्व करेंगे, और इंटीग्रल ऑफ डी टी भी जीरो से लेकर टी टाइम पीरियड तक, तो यहाँ से जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, जीरो से लेकर के टी टाइम पीरियड तक, अब बाय यहाँ से सिर्फ आएगा टी, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा वन बाय टू, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा वन बाय टू, कैसे आएगा थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास यू एवरेज का वैल्यू, ठीक है। तो हमें पता है, हम इस चीज़ को इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, अरे वही यार बचपन से हम लोग पढ़ते आए, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, हमको ये तो निकालना है, दिख रहा है ना, तो कॉस टू थीटा इज इक्वल लिख सकते हैं वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ इधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस में कॉस टू थीटा हो जाएगा। इसके जगह पे हम इसको पुट करेंगे, कॉस का वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि एक टाइम पीरियड में कॉस का वैल्यू, देखो बहुत आसान है, कॉस का वैल्यू ये नहीं होता है, कॉस का वैल्यू एक टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा, यहाँ तक आएगा एक टाइम पीरियड, क्योंकि यही चीज़ तो बार बार रिपीट होता है एक टाइम पीरियड में। अब जितना एरिया, क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब एरिया भी होता है, जितना एरिया प्लस में जा रहा है उतना ही एरिया माइनस में भी जा रहा है, इधर का एरिया और इधर का एरिया जोड़ देंगे जीरो मिलेगा, तो ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा, और वन बाय इसका जो यहाँ पर अगर हम डी टी से या फिर थेटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो थेटा समथिंग आ जाएगा यहाँ पर, तो वन बाय टू आ जाएगा, करके दिखाना पड़ेगा लगता है, करके दिखाएं छोड़ दें, अरे याद कर लो इसका वैल्यू वन बाय टू होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर वन बाय फोर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, किसी दिन करके दिखा देंगे, है ना, इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये यू एवरेज याद रखना चाहिए, वन बाय फोर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। सिमिलरली अगर हम के एवरेज निकालेंगे, सिमिलरली के एवरेज कितना आएगा, क्या उसके भी तो सेम ग्राफ आते हैं, तो उसका वैल्यू आ जाएगा यहीं पर वन बाय फोर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया के एवरेज का, कैसा लगा, थोड़ा लग रहा होगा आज बहुत बहुत आसान है इन सारे चीज़ों पर बात करना, एक बार कॉपी फिर से पलटो, देखो क्या लिखे हो नहीं लिखे हो, और उसके बाद सारे फॉर्मूले रट जाओ, है ना, रटना तो पड़ेगा ही, ऐसे भी कोई दूसरा सेकेंड ऑप्शन है नहीं, और जो आसान है बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस थोड़े साइन करवा गए कॉस करवा गए, और क्योंकि यहाँ से ही आप लोग का वेव और एसी का पूरा टॉपिक
रिवील होगा, तो थोड़ा मेहनत करो, मज़ा आएगा। कोई दिक्कत है तो थोड़ा कॉपी करो और आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों के मामले में। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, थोड़े फेजर डायग्राम, ठीक है। और अब कुछ बचा नहीं है इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़े अब दो या तीन वीडियोस में हम लोग का एसएचएम ख़त्म हो जाएगा। मैंने एक ही वीडियो में सारे डेरिवेशन लगभग कवर कर दिए हैं। बहुत सारा चीज़ अभी आना बाकी है। अब तो न्यूमेरिकल ही होंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, थोड़े थोड़ा ध्यान से, ठीक है, पढ़ने बैठना इस पर। शाम में आ जाएगा हम लोग का लास्ट वीडियो ग्रेविटेशन का, और एसएचएम के बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे वेव, है ना। तो वेव पढ़े के यही है आज का। फिर मिलते हैं, बाय बाय। और जिन्होंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल का वीडियो नहीं देखा है वो देख लो, रात में मैंने अपलोड कर दिया हुआ था, ठीक है, एज यूजुअल आज भी रात में अपलोड हो जाएगा। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ब्लैक होल वेव, ठीक है, सारा आज ख़त्म, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।